नमस्कार दोस्तों, बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते हैं कि दोस्ती यारी और रिश्तेदारी के बीच कभी पैसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि मन में अक्सर मन मुटाव का कारण बनता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के साथ, जिसके बचपन के दोस्त ने ही उसे धोखा दे दिया। और इसके पीछे की वजह क्या है, कि पूरी कहानी क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। भारत क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने अपने दो बिजनेस पार्टनर के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करवा दिया है। धोनी का दावा है कि उन्होंने क्रिकेट अकादमी खोलने के नाम पे उनसे 15 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। आर के स्कूप्स का निदेशक मिहिर दिवाकर और सौम्य विश्वास के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि मिहिर दिवाकर और धोनी के बीच बचपन की दोस्ती थी। दोनों ने साथ में मिलकर बिहार के लिए घरेलू क्रिकेट भी खेला। मिहिर दिवाकर पर आरोप है कि उन्होंने 2017 में क्रिकेट अकादमी खोलने के नाम पर महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें दुनिया के कई बड़े शहरों में क्रिकेट अकादमी खोलने का प्लान था, लेकिन स्टील के साथ सभी नियम और कानून कद्दू चौड़ा दी गई। डील के हिसाब से मिहिर दिवाकर को धोनी को फ्रेंचाइजी का शुल्क भुगतान करना था, करार के तहत प्रॉफिट का भी शेयर करना था। मगर जब ऐसा नहीं हुआ तो धोनी ने 15 अगस्त 2021 को आरका स्पोर्ट्स के अथॉरिटी लेटर वापस ले लिया और भुगतान के लिए का नोटिस भेज दिया। मगर कई रिस्पांस ना मिलता देख आखिरकार धोनी की ओर से आरका स्पोर्ट्स पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया और दावा किया कि इससे 15 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर ये मिहिर दिवाकर है कौन और ये महेंद्र सिंह धोनी के साथ में कैसे करीबी है। दोस्तों मिहिर दिवाकर आरके स्पोर्ट्स नाम की एक कंपनी चलाता है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। बिहार के सिवान में पैदा हुआ मिहिर 41 साल का है और 1999 से लेकर 2009 के बीच उन्होंने 39 प्रथम श्रेणी और 36 लिस्ट ए मैच खेल चुके हैं। अंडर 19 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का हिस्सा भी थे। धोनी के साथ घरेलू क्रिकेट खेलने वाले एक शख्स ने 2014 में आरके स्पोर्ट्स नाम से एक मैनेजिंग कंपनी शुरुआत की, जो एथलीट मैनेजमेंट के साथ और स्पोर्ट्स डील भी करता था। बाद में देश के कई शहर के बीच क्रिकेट ट्रेनिंग का सेंटर भी खोल दिया। वैसे यह पहला मौका नहीं था जब स्टार क्रिकेटर ने अपने पुराने दोस्त या परिचित पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया हो। इससे पहले यादव ने अपने पुराने दोस्त और मैनेजर रहे शैलेश ठाकुर पर 44 लाख रुपए का धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।